राह चलते लोगों से मोबाइल लूटने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी हुए निरुद्ध। जिला पुलिस और स्पेशल टीम ने मुखबिर की सूचना व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पाई सफलता। पिछले कुछ दिनों से यकायक मोबाइल लूटने और छीनने की घटनाएं बढ़ने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर सीओ नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी के निर्देशन व सीआई कृष्णगंज डॉक्टर रवि सामरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डीएसटी और थाना पुलिस ने संयुक्त प्रयास कर मुखबिर व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को धर दबोचा। वहीं इनका साथ देने वाले 2 नाबालिगों को भी विधि निरुद्ध किया गया। डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में गंज थाना अंतर्गत रहने वाला सनी जाटव, रमजान उर्फ कांचा, नल गोदाम के पास रहने वाला वसीम और आजाद शामिल हैं। सभी की उम्र 18 वर्ष से 24 वर्ष है। वहीं 2 बालकों को बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें बाल गृह भेज दिया गया। साथ ही 4 आरोपियों को भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आरोपी वारदात से पहले मोटरसाइकिल पर रेकी किया करते थे, उस दौरान वे राह चलते राहगीरों से मोबाइल छीन लेते और फरार हो जाते थे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जैसा कि अभी आपको पता है कि रीसेंट टाइम में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात एकदम से काफ़ी बढ़ गई थी, उस पर एसपी सर ने जो है हम लोगों को एक टीम गठित कर उनको डेसिफर करने के लिए कहा था। तो उसमें से 2 वारदातें मेरे सर्किल एरिया के अंदर यानी किशनगंज थाना एरिया के अंदर हुई। उस पर डीएसटी और थाने की टीम ने काम करते हुए 4 बालिक और 2 नाबालिग जने जो हैं उनको ट्रेस आउट किया है। ये चारों जो लड़के हैं वो गंज एरिया के रहने वाले हैं, सनी, रमज़ान और इनके नाम है वसीम और आज़ाद जो इसके अंदर हैं। इन्होंने जो वारदात के अंदर मोटरसाइकिल काम में ली हैं, वो दोनों मोटरसाइकिल जब्त की गई है। टोटल 5 मोबाइल जब्त किए गए हैं और इन्होंने 7 वारदातें अब तक कबूली हैं जो कि इन्होंने पूरी अजमेर सिटी में की है, उसमें से 2 किशनगंज एरिया की हैं। जो वारदातें इन्होंने की है आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगी ताकि वो हमें अप्रोच कर सके। फायसागर रोड के ऊपर, मित्तल हॉस्पिटल के आगे, टेम्पो स्टैंड रेलवे स्टेशन, एमपीएस स्कूल के सामने, राणा हॉस्पिटल, जीसीए कॉलेज के पास और वैशाली नगर रोड जो है उसके ऊपर इन्होंने मोबाइल छीनने की वारदातें कबूली है। अभी इनके बस पर चल रही है कि इसके पहले कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, इसके अलावा और कौन से मोबाइल इन्होंने स्नैच किए उसके ऊपर तफ्तीश जारी है।